जेब किसी ने काट दिए। भाई आपने मेरी जेब काटी है, मेरे पास आप ही थे और कोई नहीं था। मुझे नहीं पता भाई, मैंने आपकी जेब नहीं काटी, आप जेब नहीं काटते। भाई आपने नहीं काटी तो फिर किसने काटी है, यहाँ तो और कोई नहीं था। हाँ साहब क्या हो गया, क्या चोर लगाई हुई आपने? मिस्त्री साहब अभी अभी मेरी जेब काटी गई है, इसी बंदे ने काटी है, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं था। आपका जेब काटा गया? जी ये देखो मेरी जेब। उस्ताद फिक्र नहीं करना, आपका चोर वर्कशॉप से बाहर नहीं जा सकता है। वो चौकीदार बंद करो गेट, बाहर कोई बंदा नहीं जाए, सबकी तलाशी होगी। मिस्त्री साहब मुझे इसी बंदे पे शक है, मेरा जेब इसी के पास है। हाँ भाई उस्ताद का जेब आपने काटे? नहीं भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा। भाई आप नाराज नहीं हो ना, मुझे आपकी तलाशी करनी पड़ेगी। उस्ताद इसके पास तो नहीं है, आप इधर ही रुको, मैं सब बंदों को बुलाकर लाता हूँ, एक एक की तलाशी होगी। ऐसा करता हूँ कहीं पकड़ा ही नहीं जाओ, सबसे पहले कैमरे बंद कर देता हूँ। हाँ साथ ये सब बंदों को मैं बुलाकर ले आया हूँ, इनकी आप खुद तलाशी कर लो यार। मिस्त्री साहब मैंने इनकी तलाशी नहीं करनी, वर्कशॉप का मालिक किधर है, मालिक को बुलाओ। वो आ रहा है मालिक। क्यों भाई क्यों शोर मचाए हुए, क्या हो गया? मालिक मैं पिछले 5 साल से आपकी वर्कशॉप में गाड़ी का काम करवा रहा हूँ, लेकिन आज मेरी किसी ने जेब काट ली है, ये देख लें। क्यों आपको मुकम्मल यकीन है कि आपका जेब इसी वर्कशॉप में काटा है? जी मालिक मैं तसल्ली से कह रहा हूँ, अभी अभी मेरा जेब जो है इसी वर्कशॉप में काटा गया है। आप फिक्रमंद मत होए, मैं 5 मिनट अभी कैमरे चेक करके आपको सामने आ जाएगा सब कुछ, आप फिक्र न करें। जी ठीक है। भाई ये कैमरे तो बंद है, ये किसने बंद किए? मालिक ये चोर तो बहुत ही होशियार निकला, चोरी से पहले पहले उसने कैमरे ऑफ कर दिए। चलो भाओ। भाई साहब कैमरे तो बंद है, चोर तो कोई बड़ा होशियार था, कैमरे बंद पड़े हैं। अभी जो आपका नुकसान हुआ वो हम भरेंगे, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं इसलिए हम आपका नुकसान भर के दें। आपकी जेब में क्या क्या चीज थी आपको याद है? मालिक मेरे जेब में 20,000 रुपया और एक मोबाइल था। आपको वो अपना मोबाइल नंबर याद है? जी नंबर याद है, 03465289। मालिक यही है मेरा मोबाइल, यही है मेरा पर्स, इस बंदे ने मेरा मोबाइल चुराया है। मिस्त्री आपने ऐसा कारनामा क्यों किया, आप तो बड़े शरीफ आदमी थे। मालिक जी मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर लो। मालिक इसको माफ नहीं करना, आइंदा के लिए ऐसा काम नहीं होगा। मालिक जी मैं आपको पुलिस के हवाले करता, लेकिन आपने बहुत अच्छी मुलाजमत की और अच्छा अरसा लगे रहे, लिहाजा मैं आपको फारग करता हूँ। जाओ आप गोरी बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ वर्कशॉप से।